गौतम जी, एक थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ। आपने अटेंड की क्या, आपकी टीम ने अटेंड की क्या HDFC बैंक की वो कॉन कॉल और एनालिस्ट कॉल, और आपका क्या व्यू बन रहा है अब HDFC बैंक पर? अनुज, HDFC बैंक पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। वी हैव अ बाय रेटिंग देयर, बट मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी भी वहां पे अंडरवेट है। हमारा कॉल रिलेटिव है। पिछले 2 साल से हमने PSU बैंक्स काफी बड़ा ओवरवेट रखा है और वो पोजीशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक, एक बात जरूर बता दूं कि इनके वैल्यूएशन अभी बिलो 2 टाइम हो गया प्राइस टू। आई थिंक 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी ये, जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैल्यूएशंस कभी नहीं रहे हैं। सो स्टॉक में काफी वैल्यू है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पे बड़ा ओवरवेट बना के रखे हैं, साथ में NBFC पे। प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।